आजमगढ़ में अखिलेश मात खा गए निरहुआ। सपा के गढ़ में नहीं हो सकी निरहुआ की इमेज कैश। गठबंधन का असर भी अखिलेश यादव के हक में गया। यादव की लड़ाई में भी बाजी अखिलेश नहीं मारी। भाजपा की प्रचंड जीत के बावजूद यूपी के आजमगढ़ सीट से भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ अखिलेश यादव के हाथों मात खा गए। इस बार मोदी नाम की सुनामी भी भोजपुरी स्टार के काम नहीं आ सकी। कुछ ऐसे कारण थे जिनसे निरहुआ पार नहीं पा सके। पहली बात तो यह है कि आजमगढ़ सपा का गढ़ माना जाता है। दूसरी वजह यह है कि आजमगढ़ में चुनाव नेता बनाम अभिनेता हो गया। निरहुआ अपनी अदाकारी से लोगों के दिलों पर राज करते हैं, लेकिन एक नेता के रूप में अखिलेश की छवि उनसे कहीं बड़ी थी। थे तो दोनों यादव, लेकिन निरहुआ की हीरो वाली पॉपुलैरिटी कैश नहीं हो पाई। कुछ का मानना यह है कि निरहुआ का वो बयान भी कारण बना जिसमें उन्होंने अपने आप को कहा था कि उन्हें हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि मैं स्वतंत्र आदमी हूँ, मेरी विचारधारा स्वतंत्र है, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये रही कि गठबंधन यूपी में तो फेल हो गया, लेकिन आजमगढ़ में इसने काम किया और ये निरहुआ की हार का बड़ा कारण बना। अखिलेश खुद पार्टी के अध्यक्ष हैं, मायावती ने भी उनके समर्थन में रैली की जिससे सपा का परंपरागत वोट हिला नहीं और अखिलेश ने जीत दर्ज की। अखिलेश ने जहां चुनाव जातीय समीकरण पर लड़ा, वहीं निरहुआ पार्टी के मुद्दों को ज्यादा तरजीह दे रहे थे। विश्लेषकों का मानना है कि ये कुछ ऐसी वजह रही कि जनता में पॉपुलर होने के बाद भी निरहुआ अखिलेश को हराने में कामयाब नहीं हो सके और वो 2 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से हार गए।